से दिख रहा है। मूवी की कहानी स्टार्टिंग होती है एक वायरल वीडियो से जो कि एक डिटेक्टिव के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक तो टेररिस्ट एक खुलेआम डिटेक्टिव को चैलेंज दे रहा है कि मैं इस प्लेन पर अटैक करने वाला हूं, अगर तुम में दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। क्या इस डिटेक्टिव और इस टेररिस्ट के बीच में जो हमें केस सीन देखने को मिलते हैं इसी पर बेस्ड ये मूवी की स्टोरी आधारित है। थ्रू आउट मूवी में आपको कई सारी अनगिनत चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको सरप्राइज करने में कामयाब होगी। मूवी का सस्पेंसिंग जो बिल्डअप कॉन्टेंट है वो आपको सच में ही लाजवाब लगने वाले हैं। मूवी में आपको कई सारे ऐसे सीन देखने को मिल जाएंगे जहां पर ग्राउंड और स्काई दोनों में ही आपको जो भी थ्रिलिंग और सस्पेंस का मूवमेंट देखने को मिलता है वो आपको कैच करने में कामयाब हो जाता है। स्काई में आपको जो भी मौतें हो रही है वो कौन कर रहा है वो भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन थ्रू आउट आपको ग्राउंड यानी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सीन्स है वो भी आपको टच हो जाते हैं। बच्चे का क्राई करने वाला सीन हो और बच्चे के लिए फादर का जो इमोशन हो, इसके अलावा बच्चे के सामने ऐसे लोटपोट भरा हुआ लोही से भरा आदमी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सारे सीन आपको जो है मूवी में आपको कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा ग्राउंड में भी कौन हो रहे और ग्राउंड वाले इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं उसी पर मूवी की स्टोरी लाइन आधारित है। मूवी की स्टोरी आपको काफी ही ज्यादा कैची लगेगी। एड जोन थ्रिलर अगर किसी को कहा जाए तो यह मूवी का नाम डेफिनेटली बनता है। एक पॉइंट पर तो आप ये भी सोचने पर मजबूर कर जाओगे कि कोरिया वाले ऐसी सीरीज कहां से लाते हैं, मतलब उसके पास कॉन्टेंट का क्या भंडार है। मतलब सीरीज सच में ही लाजवाब है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर देखना। ये सीरीज आपको थ्रिलिंग मूवमेंट है वो पसंद आने वाले है। सारे ऐसे सीन है जो कि आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन प्ले अगर मजबूत हो कि किस तरीके से अगर स्टोरी लाइन को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है तो ये मूवी का नाम आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ रख सकते हो। गाइस मस्ट वॉच एड जोन थ्रिलर अगर किसी मूवी का नाम हो तो डेफिनेटली ये मूवी आप देख सकते हो। गाइस अमेजोन प्राइम वीडियो पर 2.5 घंटे की लेंथ के साथ हिंदी इंग्लिश और कोरियन तीनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज में मूवी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। गाइस मूवी की सिंपल सिटी आपको पसंद आने वाली है, मूवी आप जरूर चेकआउट करना।